आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड एरा के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, स्पेशली वर्क कल्चर। WFH यानी वर्क फ्रॉम होम काफी ट्रेंडिंग रहा, चाहे वो वर्क कल्चर हो, लाइफस्टाइल हो या कुछ और, पूरी दुनिया जैसे चेंज हो गई हो। कई लोगों ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, कई लोगों ने बिजनेस बंद करके जॉब स्टार्ट किया, कई लोगों ने ट्रैफिक से होने वाली परेशानी से राहत की सांस ली, तरह तरह की चीजें देखने को मिली। सबसे ट्रेंडिंग जो रहा है वो है घर से काम करना, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। WFH तो जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहा और है। अब कुछ कंपनीज हैं जो सबको वापस ऑफिस से काम करने के लिए बुला रही हैं। लोगों को तो घर से काम करने की आदत पड़ गई थी, मीटिंग के वक्त ब्रेकफास्ट करना, लंच करना एक आम बात हो गई थी। ऑनलाइन मीटिंग हो और बच्चे चुप रहे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी मीटिंग्स होती बच्चे शोरगुल मचाने लगते। अगर बैचलर्स WFH कर रहे हैं तो उनके दोस्त कुछ एंटरटेनमेंट करते मीटिंग के बीच, और अगर कपल्स घर से काम कर रहे हैं तो वाइफ ने भी हस्बैंड को मीटिंग के टाइम सैलेड बनाने को बोला। कलीग्स को पता लग जाता कि एक दूसरे के घर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और वो दोपहर वाली नैप के तो क्या कहने, उठने के बाद ही पता चलता है कि मीटिंग खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोग लेजी हो गए, तो बहुत से लोग जो फिटनेस फ्रीक है वो रेगुलर जिम या हेल्थ क्लब भी जाने लग गए। ट्रैफिक वाला जो टाइम सेव हुआ उसमें लोग अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करने लगे। अगर देखा जाए तो कंपनीज को भी WFH से फायदा हो रहा है। रात को 10 बजे मीटिंग करनी हो या लंच टाइम पे काम करवाना हो, मैनेजर्स कभी भी एम्प्लॉय को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं। US शिफ्ट में काम करना हो या जापान शिफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड स्टेट्स में कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को 2022 जनवरी से ऑफिस बुला रही है। कुछ कंपनीज ने 2021 में ही स्टार्ट कर दिया था। इंडिया में रिटर्न टू ऑफिस मोस्टली 2022 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। मोस्टली ये हाइब्रिड स्टाइल ही रहेगा, मतलब वीक में 2 या 3 दिन ऑफिस जाना होगा। हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ट्यूसडे और थर्सडे को ऑफिस जाएगा और आप मंडे और वेडनेसडे। हाल ही में हुए सर्वे में 26% लोगों ने ये कहा कि वो ऑफिस जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने घर पे नहीं रहना चाहते। एज ग्रुप 40+, मैनेजर्स, आर्किटेक्ट एक्सेट्रा। 74% लोग अभी भी ऑफिस नहीं बल्कि रिमोटली काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि 74% एम्प्लॉय अपने ऑफिस कल्चर को इंटरेस्टिंग नहीं मानता, कलीग या बॉस के साथ नहीं काम कर सकते। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशंस को हम एक ही मान सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सर्वे जो था वो ये था कि 30% लोगों ने ये कहा कि वो रिजाइन तक कर देंगे अगर उनको ऑफिस बुलाया गया। बाकी के 70% लोगों को अगर ऑफिस बुलाया जाएगा तो वो जाएंगे। मतलब ये है कि 30% लोग टीम मेंबर्स या मैनेजर्स के साथ ऑफिस में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर एक बोरिंग कल्चर बन गया है। इसलिए ये 30% लोग फुली रिमोट काम करेंगे। इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी और वो अपने फेवरेट लोकेशन से काम करेंगे। ये 30% लोग फुली रिमोट जॉब्स की तलाश भी कर रहे हैं। मैनेजर्स या बॉस अपने कुछ एम्प्लॉयज का ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आए और हम उनको और अच्छी तरह से माइक्रो मैनेज कर सके, और एम्प्लॉय है जो अपने बॉस से बचने के लिए फुली रिमोट जॉब ढूंढ रहे हैं। कोविड के आने के बाद लोगों में वर्क लाइफ बैलेंस का अवेयरनेस बढ़ा है, तो साथ ही धाराशाही होते हुए कॉर्पोरेट कल्चर का भी खुलासा हुआ है। आप अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे।